हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्र विद बी एम सर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू नो गाइज, वी आर लर्निंग हियर इंग्लिश लैंग्वेज और वी आर लर्निंग लैंग्वेज हियर एंड वाइल लर्निंग लैंग्वेज इट्स नेसेसरी टू नो अबाउट द मैनर्स एंड एटिकेट्स ऑफ द लैंग्वेज। विदाउट मैनर्स अ मैन इज नॉट अ प्रॉपर मैन, अ मैन इज नॉट रिगार्डेड रेस्पेक्टफुल पर्सन इन द सोसाइटी। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने समाज में सभ्य व्यक्तियों के बारे में और सभ्य व्यक्तियों को जो सभ्यता है, जो मैनर्स एटिकेट्स होते हैं उनकी, वही उनको समाज में रेस्पेक्ट दिलवाते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड ऑल्सो लर्न सम मैनर्स एटिकेट्स सो दैट वी कैन बी अ रेस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। हमारे मैनर्स जो हैं, हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे शब्दों के माध्यम से, हमारे वर्ड्स, हमारी लैंग्वेज बोलने के माध्यम से एक्सप्रेस होते हैं एंड दैट फॉल द अनएंडिंग इम्प्रेशन ऑन अदर पीपल्स माइंड। तो साथियों, इन मैनर्स की जब हम बात करते हैं तो मैनर्स शो कैसे होते हैं? जब हम दूसरों से मिलते हैं तो उनको कुछ दुआ सलाम भी तो करते हैं, कोई नमस्कार करता है, कोई राम राम करता है, कोई सलाम करता है, वाट एवर द वे द पर्सन हैव, जिस भी तरीके को लोग रखते हैं उससे हम करते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे ही हम लोगों से मिलते हैं। मान लीजिए सुबह किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हो तो सुबह आपको सुप्रभात अंग्रेजी में भी करना होगा और उसके लिए आपको बोलना होगा गुड मॉर्निंग। क्या बोलना होगा आपको? गुड मॉर्निंग। तो शब्द को जानना ही काफ़ी नहीं है हमारी टंग टाइडनेस और हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए एंड फॉर इम्प्रूविंग प्रोनंसिएशन, तो हमें ड्रिल करना होगा, कुछ अभ्यास करना होगा। तो इसी वर्ड को आप बोल के प्रैक्टिस करें कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सामने कोई सर हैं तो आपको कहना है गुड मॉर्निंग सर, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, पापा से करें तो गुड मॉर्निंग पापा, मम्मी से बोलें तो गुड मॉर्निंग मम्मी। इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस मॉर्निंग विश। सुबह सुबह हम विश करेंगे, सुबह का नमस्कार करेंगे, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मान लो दोपहर बाद का टाइम हो गया है तो मॉर्निंग के बजाय यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? आफ्टरनून। तो आपको बोलना है मेरे साथ में गुड आफ्टरनून। बिल्कुल चार पांच बार बोलकर देखें इसको, बोलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून ब्रदर, गुड आफ्टरनून सिस्टर, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। एंड शाम का अगर टाइम हो रहा है तब शाम को जो शुभ संध्या होती है उसको आप यूज़ करेंगे गुड इवनिंग। तब आपको बोलना है गुड इवनिंग। बोले मेरे साथ में आप बोलते रहें, सर हो तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग फादर, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, इस तरह से आप गुड इवनिंग यूज़ करेंगे। और दीज थिंग्स आर स्पोकन वाइल मीटिंग टाइम, मिलते समय ही ये चीज़ें बोली जाती हैं, मिलते समय। अब आप बोले मान लो रात को मिलना हो किसी को, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 मिलना हो, तब क्या बोलेंगे? तो आप कहें कि सर मिलते समय तो हम रात को गुड नाइट बोल दें, तो कैसा रहेगा? तो ये बिल्कुल गलत रहेगा, रॉन्ग रहेगा, बिकॉज गुड नाइट इज़ नॉट स्पोकन वाइल मीटिंग। मीटिंग समय, मिलते समय गुड नाइट नहीं बोला जाता है, मिलते समय गुड इवनिंग बोला जाएगा। शाम को 5 बजे मिलो, चाहे 7 बजे मिलो, चाहे 11 बजे मिलो, रात को मीटिंग टाइम गुड इवनिंग इज स्पोकन एंड डिपार्चर टाइम, एट डिपार्चर टाइम गुड नाइट इज स्पोकन। तो गुड नाइट जो है वो मिलते समय कभी नहीं बोला जाता, डिपार्चर अलग होते समय गुड नाइट बोला जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, अलग होकर जाते हैं तब गुड नाइट बोलते हैं, जैसे रात को सोने जा रहे हों, अलग हो रहे हों, तो गुड नाइट एवरीबडी, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट चिल्ड्रन, इन द सेम वे सोने जाते हैं तब भी गुड नाइट बोलते हैं, रात को अलग होते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं। मिलते समय गुड नाइट कभी मत बोलना आप, एंड जस्ट आपको इस मिस्टेक से बचाना है। दिन में अलग हो रहे हों तब क्या बोलेंगे? दिन में अलग हो रहे हों तो आप गुड बाय बोल सकते हैं, गुड बाय सर, गुड बाय मैम, गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बोल सकते हैं।
बाय बाय एवरीबडी, बाय बाय, या फिर केवल बाय बोल सकते हैं। बाय एवरीबडी, बाय गाइस, बाय, फिर मिलेंगे। ऐसे ही एक चीज़ और बोली जाती है, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। क्या बोलेंगे? सी यू अगेन। तो आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बोल सकते हैं, बाय बाय सी यू, बाय फिर मिलेंगे। तो आपको बोलना है बाय बाय सी यू, गुड बाय, सी यू अगेन, या सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। सी यू लेटर, सी का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है। सी यू अगेन, सी यू लेटर, एंड इन दिस वे यू कैन जस्ट मेक और यू कैन जस्ट फॉल एन अनइंटेंडेड इम्प्रेशन ऑन अदर पीपल्स माइंड एंड दे विल डेफिनेटली ग्रो रेस्पेक्ट इन देयर हार्ट्स अबाउट यू। तो आपका ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगेंगे। आप किसी व्यक्ति के सामने जाकर खड़े हो जाओ, ना कोई दुआ सलाम, ना कोई नमस्ते, ना कोई गुड मॉर्निंग, दैट पर्सन विल थिंक दैट यू आर अ ब्रूट पर्सन। आप रूड व्यक्ति हो, ब्रूट हो, आप बिल्कुल स्टूपिड हो, उसको ऐसा लगेगा आप एक अकड़ू टाइप के व्यक्ति हो और आपको ये विश वगैरह करना जानते ही नहीं हो, बातचीत स्टार्टिंग करना। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्वर्सेशनल स्टार्टर्स। साथियों, इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्डर्स और कमांड्स की बात करते हैं, ऑर्डर्स और कमांड्स की। तो आप यहाँ वीडियो को रोक करके चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। तो साथियों, आपने लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। किसी को ऑर्डर देना हो, हमें ऑर्डर देना हो कि भाई बात मत करो, बात मत करो, इस ऑर्डर को किस तरह से फॉलो करेंगे, दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ हम उसको कहेंगे डू नॉट, कोई भी एक्शन है वो जोड़ दिया जाएगा। डू नॉट एक्शन, बात करने का एक्शन होता है टॉक, टॉक होता है बात करने का एक्शन। तो ऑर्डर हम बोलेंगे डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक। तो ये बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करें, डू नॉट के बजाय हम बोले डोंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डोंट के बाद कोई भी एक्शन यूज करेंगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, हम कहें डोंट टॉक, बात मत करो, ठीक है ना गाइज। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, डोंट टॉक, डोंट टॉक, ऑर्डर दे दें डोंट टॉक, और किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी बड़े आदमी से कि कृपया बात मत करो, तो प्लीज़ और जोड़ देंगे साथ में, डोंट टॉक प्लीज़, डोंट टॉक प्लीज़, या प्लीज़ को पहले भी लगा सकते हैं, प्लीज़ डोंट टॉक, प्लीज़ डोंट टॉक, डोंट टॉक प्लीज़। और ऑर्डर देना हो तो डोंट टॉक, डोंट टॉक, बात मत करो, डोंट टॉक यूज़ करेंगे, ठीक है ना, खेलो मत। तो टॉक के बजाय एक्शन बदल देंगे इधर, डोंट प्ले, खेलो मत, डोंट प्ले, खेलो मत, डोंट प्ले, और कहें कि यार उसे पीटो मत, तो पीटने का एक्शन बीट होता है, पीटने का एक्शन बीट। तो डोंट बीट, उसे मत पीटो, कोई लड़का है तो हिम यूज करेंगे, कोई लड़की है तो हर यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है ये इन प्रोनाउंस का, ही का और शी का। तो डोंट बीट हिम, कोई लड़का है तो लड़की को मत पीटो, डोंट बीट हर, डोंट बीट हर, डोंट बीट हर, डोंट बीट हर, डोंट बीट हिम, इस तरह आप मेरे साथ बोलते रहिए साथ में, ठीक है गाइज। मुझसे नफरत मत करो, तो डोंट हेट, आगे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो, डोंट हेट मी। फिर से बोलो मेरे साथ, 4-5 बार बोलो एटलीस्ट, आप खुद को बच्चा समझिए, और एक बच्चा बोल बोल के सीखता है, जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना पड़ता है, किनारे पर बैठ के हम अच्छे तैराक नहीं बन सकते, वैसे ही आपको बोलना होगा, यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरी सेंटेंस फॉर 4-5 टाइम्स इफ यू जस्ट वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर और द फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग यू कैन रिमूव योर हेजिटेशन, योर टंग टायर्डनेस, एंड यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, दैट इज वाई दिस ड्रिल इज वेरी नेसेसरी हियर। तो मुझसे नफरत मत करो, फिर बोलो इसको, डोंट हेट मी, डोंट हेट मी, डोंट हेट मी प्लीज भी कह सकते हैं इसमें, डोंट हेट मी प्लीज, डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो, डोंट हेट मी। कोई बच्चा रट रहा हो चीज़ों को, ए पी पी एल ए एप्पल मीन्स, रटने के बजाय थोड़ा समझने पर ध्यान दिया जाए, तो हम कहते हैं रटो मत, रटने के लिए एक्शन है क्रैम, डोंट क्रैम, डोंट क्रैम, रटो मत,
डोंट क्रैम, फिर से बोलो डोंट क्रैम, डोंट क्रैम। रटने के लिए क्रैम के बजाय पैरट को भी यूज़ कर सकते हैं, पैरट मीन्स तोता होता है, हालांकि यहाँ एक्शन की तरह कैरेट का मतलब, पैरट मीन्स रटना, क्रैम करना। डोंट पैरट, रटो मत, डोंट पैरट, डोंट पैरट, डोंट पैरट, ऐसे बोलते रहिए आप, कंटिन्यू बोलते रहिए लगातार, डोंट पैरट, रटो मत, डोंट पैरट। दूसरों से कहना भाई टीवी मत देखो, तो देखना वॉच होता है, टेलीविजन टीवी, तो हमको बोलना है डोंट वॉच टीवी। बोलो मेरे साथ डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी। ये जो W वाला वो है ना वो, इसमें हमारे होंठ जो है वो पूरे खुल जाते हैं। वॉच वॉच वॉच, डोंट वॉच टीवी। व जब बोलते हैं ना तो भी टीवी ऊपर वाले दांतों को नीचे वाला लिप टच करता है, व व, तो डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी, ऐसे बोल सकते हैं आप। देखो मत, देखना सी होता है सिंपली, जैसे लड़कियों को मत देखो तो हम कहेंगे डोंट सी गर्ल्स, डोंट सी गर्ल्स। स्टूडेंट्स को मत देखो, डोंट सी स्टूडेंट्स, डोंट सी स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कहेंगे। और अगर हम एक और एक्शन लें कि भाई मुझे मूर्ख मत बनाओ, तो वहीं डोंट के आगे मूर्ख बनाना होता है मेक फूल, तो मुझे मत बनाओ, मी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेंगे, डोंट मेक मी फूल। सेंटेंस बना डोंट मेक मी फूल, डोंट मेक मी फूल, डोंट मेक मी फूल, ऐसे बोलो चार पांच बार, डोंट मेक मी फूल, मुझे मूर्ख मत बनाओ। केवल इतना भी कह सकते हैं डोंट मेक मी, इसका मतलब मुझे मूर्ख मत बनाओ, डोंट मेक मी, डोंट मेक मी, ये चीज़ें हम यहाँ पर बोल सकते हैं। एक और एक्शन लेते हैं, किसी से कहते हैं हम कि भाई परेशान मत हो, परेशान मत हो, तो परेशान होने के लिए एक्शन होता है बोदर, बी ओ टी एच या बोदर, तो हम कहेंगे डोंट बोदर, परेशान मत हो। अरे यार मेरे लिए परेशान मत हो, तो हमें कहना है डोंट बोदर फॉर मी, मुझे आप छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाओगे, आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, तो हम कह देते हैं मेरे लिए परेशान मत हो, तो सेंटेंस होगा डोंट बोदर फॉर मी। बोलो इसको डोंट बोदर फॉर मी, डोंट बोदर फॉर मी, और मुझे परेशान मत करो, तब हम क्या करेंगे, डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो और मेरे लिए परेशान मत हो, डोंट बोदर फॉर मी यूज करेंगे यहाँ। जैसे बच्चों के बिगड़ने के लिए शब्द होता है पैम्पर, बेटा बिगड़े मत, डोंट पैम्पर, बेटा बिगड़े मत, डोंट पैम्पर, बिगड़े मत, डोंट पैम्पर, और बच्चों को मत बिगाड़े तो भी पैम्पर यूज करते हैं, डोंट पैम्पर चिल्ड्रन, बच्चों को मत बिगाड़े तो सेंटेंस क्या होगा, बोलो इसको डोंट पैम्पर चिल्ड्रन, बिगड़े मत, डोंट पैम्पर, बिगाड़े मत बच्चों को, डोंट पैम्पर चिल्ड्रन, डोंट पैम्पर चिल्ड्रन। नाउ गाइस यू कैन जस्ट कॉपी ऑल दीज एक्शंस हियर, ये सारे एक्शंस हैं जो आज होमवर्क में काम आने वाले हैं, इनको आप कॉपी कर सकते हैं। आज का होमवर्क का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, थोड़ा सा होमवर्क लिखने वाला है, बाकी सब बोलने वाला है। वॉट एवर सेंटेंस यू राइट इन योर नोटबुक, जो सेंटेंस आप बनाकर लिखेंगे उन सेंटेंसेस को 5 times जो है वो आपको बोलना है, तेज तेज बोलना है, जोर से बोलना है। तो हमारा स्ट्रक्चर वही है, डोंट लगाएंगे और गुड मॉर्निंग वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे मैनर्स में जो मैंने आपको बताया, डोंट के साथ में एक्शन यूज़ करेंगे यहाँ, और एक्शन ये सारे एक्शंस जो हैं वो आपको यूज़ करने हैं डोंट के साथ में, डोंट एक्शन, जैसे डोंट बीट हिम, डोंट हेट मी, डोंट क्रैम, ये चीज़ें जोड़ेंगे, डोंट वॉच टीवी, इनको साथ साथ बोल के देखना है। वन मोर थिंग, ये तो नेगेटिव ऑर्डर या कमांड हुआ, किसी से कोई काम करने के लिए भी कह देते हैं हम कि कृपया बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ, तो वहाँ आपको डोंट की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर रहेगा केवल एक्शन, एक्शन का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन यूज़ करेंगे हम, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये, जैसे बैठ जाओ कहना हो तो एक्शन आ गया सिट डाउन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, कृपया खड़े हो जाओ, प्लीज को आगे भी रख सकते हैं, खड़े हो जाओ, तो सिर्फ ऑर्डर देना हो तो खड़े हो जाओ स्टैंड अप, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टैंड अप प्लीज, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाओ, प्लीज स्टैंड अप यूज करेंगे। अच्छा मेरी मदद करो तो वहाँ
हेल्प आएगी फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद करो, हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद करो, हेल्प मी प्लीज, तो सेंटेंस बनेगा हमारा हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, मेरे लिए पानी ले आओ, तो डायरेक्ट ब्रिंग यूज करेंगे, ब्रिंग मी वाटर, क्या बोलेंगे हम, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर, चेयर ले आओ, ब्रिंग मी चेयर, मेरे लिए चेयर ले आओ, ब्रिंग मी चेयर, उनके लिए चेयर ले आओ, ब्रिंग हिम चेयर, कोई लेडीज हो उनके लिए चेयर ले आओ तो ब्रिंग हर चेयर, इस तरह से हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे डोंट एक्शन और एक्शन, ये दो स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में इन सारी मीनिंग्स को डाल करके सेंटेंस आपको एक पेज पर लिखने हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक फॉर 4 to 5 टाइम्स ईच सेंटेंस और ईच फ्रेज, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है साथियों, अभी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश और यू वॉन्ट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, वॉट एवर एल्स योर गोल इज इन द लाइफ, जिंदगी में कोई भी हमारा गोल हो, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू शुड हैव बर्निंग डिजायर इन योर हार्ट, दिस इज बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर गोल यू शुड हैव बर्निंग डिजायर इन योर हार्ट, If you have burning desire, you will definitely get success in whatever field you want to get ahead, you want to achieve. Burning desire आपके अंदर होगी, ज्वलंत इच्छा, इसका मतलब होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें 100% डेडिकेशन से काम करना चाहिए, पूर्ण समर्पण से काम करना चाहिए, बस आप सोचोगे कि नहीं ये तो करना ही है, then definitely you will get success with the help of burning desire to achieve your goal. साथ ही इससे रिलेटेड मैं एक कहानी आपके लिए सुनाना चाहूँगा। एक जंगल में एक शेर था और शेर भोजन के इंतजार में बैठा था, कोई भोजन दिखाई नहीं दिया, पूरा दिन निकल गया, ही वॉज वेरी हंगरी। लायन जो था शेर, नेक्स्ट डे वो भोजन का इंतजार कर रहा था लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, वो दिन भी निकल गया, एक और दिन आया, तीसरा दिन भी निकल गया और वो भूखा रहा, 3 दिन से भूखा तड़पा, लेकिन चौथे दिन उसने देखा बैठा था तो सामने एक हेयर था, खरगोश, खरगोश फुदकते हुए दौड़ते हुए वहाँ से निकल रहा, शेर को लगा अब तो मज़ा आ गया भाई, इसको खाकर अपनी भूख बुझाई जाए, शेर उठा और खरगोश के पीछे दौड़ने लगा। अब खरगोश डर के मारे आगे दौड़ रहा था, शेर पीछे दौड़ रहा था, खरगोश को पता था शेर मेरा पीछा कर रहा है और वो खा जाएगा, मुझे मार डालेगा अगर मैं नहीं दौड़ पाया तो, इसलिए खरगोश पूरी ताकत से दौड़ता रहा, शेर पीछे दौड़ता रहा, शाम हो गई, दौड़ते दौड़ते कई किलोमीटर दौड़ते दौड़ते निकल गए, लेकिन खरगोश हाथ नहीं आया, अभी जंगल में दौड़े, खेतों में दौड़े, झाड़ियों में दौड़े, दौड़ते 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 खरगोश का घर आ गया। जो होल होता है ज़मीन के अंदर या पेड़ के जड़ों में, जो कोठर या बेल होता है, उसमें खरगोश घुस गया अंदर, अब शेर क्या बेल के अंदर थोड़ी घुस सकता है, शेर वहीं बैठा रहा, निकलने दो इसको बाहर। काफ़ी देर बाद खरगोश ने थोड़ा सा मुंह दिखाया, निकल के देखा, अरे शेर यहीं बैठा है, जंगल का राजा यहीं बैठा है भाई दरवाजे पर। तो उसने पूछा कि भाई शेर जा क्यों नहीं रहा तू यहाँ से, शेर ने पूछा अच्छा मैं चला जाऊंगा पर मुझे एक बात बता, जंगल का राजा कौन है? तो खरगोश ने कहा ऑब्वियसली यू आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। उसने पूछा सबसे शक्तिशाली कौन है इस जंगल में? तो खरगोश ने जवाब दिया डेफिनेटली यू आर द माइटीएस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, जंगल के राजा हो। तो शेर ने पूछा यार फिर मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया, इतने किलोमीटर तेरे पीछे दौड़ा, ऐसा क्या हो गया आज कि मैं तुझे बड़े बड़े हाथी तक को मैं डरा कर भगा देता हूँ, किसी का भी मैं शिकार कर देता हूँ, लेकिन आज तू हाथ नहीं आया मेरे। तो खरगोश ने जवाब दिया कि आज मेरे अंदर बर्निंग डिजायर थी और वो बर्निंग डिजायर तेरे अंदर नहीं थी। अब समझिए यहाँ बर्निंग डिजायर क्या होती है। शेर भी दौड़ रहा है, खरगोश भी दौड़ रहा है, केवल खरगोश के अंदर बर्निंग डिजायर। खरगोश ने कहा शेर से कि जब तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे तो तुमने सोचा कि पूरी ताकत लगा दूंगा इसको पकड़ने के लिए, लेकिन बाई चांस ये हाथ नहीं आया तो अपनी जान दौड़े दूंगा और ढूंढ लेंगे दूसरा खरगोश, यही तो होता है, खरगोश हाथ नहीं आया तो मर थोड़ी जाएगा शेर, इसलिए ताकत लगानी है, ऐसा तुम्हारा विचार था, पूर्ण समर्पण नहीं था उसमें। खरगोश बोला कि मेरे अंदर बर्निंग डिजायर थी, मेरे अंदर पूर्ण डेडिकेशन था, मैंने सोच लिया कि पूरी ताकत से दौड़ूंगा और अगर दौड़ने में मैं असफल रह गया या 1% भी कहीं कमी रह गई दौड़ने में, तुम तो मुझे पकड़ के और मार के खा जाओगे। भाई जान है तो जहान है, सेव लाइफ सेव ऑल कहते हैं, जब जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर क्या,
इसलिए जीवन को बचाने के लिए मैंने सोचा कि अब तो हर हाल में जीवन बचाना ही बचाना है। तुमने सोचा था अगर खरगोश नहीं मिला तो दूसरा ढूंढ लेंगे, ऐसा सोचा? नहीं मिला तो जान थोड़ी दे देंगे, लेकिन मुझे लग रहा कि मैं दौड़ नहीं पाया तो जान ही चली जाएगी, तो जान थोड़ी देनी है। इसलिए पूर्ण समर्पण से दौड़ा और विजय मिली मुझे दौड़ने में। बर्निंग डिजायर मेरे अंदर काम कर दी कि हर हाल में बचना है, इतना तेज दौड़ना है। तो मैं दौड़ता रहा, इस बर्निंग डिजायर की वजह से बचा। इन द सेम वे वी शुड हैव 100% डेडिकेशन टू आवर गोल सो दैट वी कैन जस्ट इन्वॉल्व और वी कैन जस्ट एड ऑल द एफर्ट्स ऑल द एनर्जीज टूवर्ड्स अवर अचीवमेंट टूवर्ड्स अवर गोल। तो साथियों पूर्ण समर्पण से काम करना है, डेफिनेटली आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। अच्छे इंग्लिश स्पीकर भी बनोगे आप और लक्ष्य आपका जीवन में जो बड़ा बना रखा आपने वो भी डेफिनेटली मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।